वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजनी क्लासेस एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़। एज वी नो दैट प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ आर ए मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़। Primary activities directly connected with nature and human being depending natural resources to fulfill their needs. Most of primary activities are helpful to extend our economic and social structure. And we divide works in four categories in primary activities. तो जो four works में हम उनको divide करते हैं वो कौन कौन से हैं? First हमारा उनमें आता है agriculture, फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो भी हमारे ये फोर वर्क्स हैं, जो भी वर्कर्स इनमें इंक्लूड हैं, जो इन वर्क्स को करते हैं, हम उनको कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। तो अभी हमने बात की कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो वर्क्स किए जाते थे वो फोर कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर लिया। बट इनसे पहले भी जो वर्क किए जाते थे वो टू वर्क्स होते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग को हम रिमेंबर रखने के लिए थ्री बेसिक पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा अ प्रिमिटिव एक्टिविटी, कि हमें पता है कि प्रिमिटिव एक्टिविटी क्यों है, कि प्रिमिटिव सोसाइटीज इन वर्क्स को कर रही है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं। तो हम हंटिंग एंड गैदरिंग को रिमेंबर रखने के लिए फर्स्ट पॉइंट में हम कर सकते हैं ए प्रिमिटिव एक्टिविटी। सेकंड होता है इसमें हंटिंग एनिमल्स, कि जो भी एनिमल्स हैं उनको हंट किया जाता है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। थर्ड पॉइंट में हमारा आता है गैदर्ड एडिबल प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, कि जो भी उनके एडिबल प्लांट्स हैं, लाइक एडिबल प्लांट्स लीव्स, ट्री बार्क्स ऑफ ट्रीज, उनको सभी को क्या किया जाता है, फ्रूट्स, उनको गैदर्ड कलेक्ट कर लिया जाता है। जो भी एक्सटेंशंस ऑफ ट्रीज होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको हम गैदरिंग बोलते हैं। अब जब भी हम गैदरिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो गैदरिंग को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, कि एक एंशियंट टाइम में या प्रिमिटिव सोसाइटीज जिस वर्क को कर रही थी, एक जो हमारे न्यू मॉडर्न टाइम में जो की जा रही है। तो उसको हम देख लेते हैं, जो भी हमारी गैदरिंग को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रिमिटिव गैदरिंग एंड सबसिस्टेंस गैदरिंग, या हम इनको मॉडर्न टाइम की गैदरिंग भी बोल सकते हैं, इन प्रेजेंट टाइम में जो हो रही है। तो प्रिमिटिव गैदरिंग में क्या है, वही है, एक्सटेंशंस ऑफ ट्रीज को कलेक्ट किया जाता है, एडिबल थिंग्स को कलेक्ट किया जाता है, क्यों, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और जो हमारी सब्सिस्टेंस गैदरिंग है ये प्रेजेंट टाइम की है, इसमें क्या हो गया कि कुछ चेंजेस आ गए, साइंटिफिक चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई, मार्केटिंग होने लगी, तो जो भी होता है वो सब्सिस्टेंस गैदरिंग में आता है। अब आता है सब्सिस्टेंस गैदरिंग का एरिया, कि कौन से हम एरियाज में देखते हैं कि सब्सिस्टेंस गैदरिंग हो रही है। तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग का एरियाज, फर्स्ट सब्सिस्टेंस गैदरिंग के एरियाज की जब हम बात करते हैं तो उनको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा उसमें आता है हाई लैटिट्यूड जोन, हाई लैटिट्यूड जोन्स में कौन कौन से आते हैं, जिसको हम बता सकते हैं टू पॉइंट्स में। ए पॉइंट में इसमें आता है हमारा नॉर्दर्न कैनेडा, बी पॉइंट में हमारा इसमें आता है नॉर्दर्न यूरेशिया। के टू पॉइंट्स होते हैं हाई अल्टीट्यूड जोन्स। हाई अल्टीट्यूड जोन्स हम किसको बोलते हैं, जो जीरो डिग्री इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जोतते हैं, ठीक है। तो हम हाई अल्टीट्यूड में थ्री पॉइंट्स को रिमेम्बर रख सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्दर्न और टू पॉइंट्स इसमें नॉर्दर्न कनाडा और नॉर्दर्न यूरेशिया में, जो गैदरिंग का वर्क होता है वो हाई लैटिट्यूड जोन्स में होता है। सेकेंड हमारा इसमें आता है लो लैटिट्यूड जोन, लो लैटिट्यूड जोन्स जिसको हम जीरो डिग्री इक्वेटर से डिनोट कर सकते हैं, कि जो हमें जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं जीरो डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर ही जो एरियाज हमें मिलते हैं वो लो लैटिट्यूड जोन्स में आते हैं। अब इनमें ए पॉइंट में हम बता सकते हैं अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, इन साउथ अमेरिका। बी पॉइंट में हमारा आता है जायरे बेसिन, जायरे बेसिन इन अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका। ये हमने बात की सबसिस्टेंस गैदरिंग जो हो रही है उसके एरियाज की, हाई लैटिट्यूड जोन्स एंड लो लैटिट्यूड जोन्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं टू टू पार्ट्स में। अब इसके बाद हमारा आता है कि हंटिंग एंड गैदरिंग के, कि कुछ एरियाज में हंटिंग एंड गैदरिंग जो होती थी हंटिंग को बैन कर दिया गया, इंक्लूड इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, और जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट ए गुड एक्टिविटीज़, तो हंटिंग को बैन कर दिया गया कुछ एरियाज में। अब हंटिंग को बैन कर दिया गया एंड गैदरिंग को क्या कर दिया गया, उसके भी टू फैक्टर्स हमें मिलते हैं डिक्रीजन के, कि क्यों गैदरिंग को डिक्रीजन होने लग गया, उसमें हमारे टू फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स टू फैक्टर्स हैं उनमें। फर्स्ट हमारा आता है डिक्रीजन ऑफ जो हमारी गैदरिंग थी उसकी, डिक्रीजन के टू फैक्टर्स कौन कौन से थे। फर्स्ट इसमें हमारा आता है इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो रही थी उनको क्या कर दिया, इम्पोजिशन होने लगे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज में डिवाइड होने लगे आप एरियाज को, कि कोई भी जैसे पहले क्या था कि गैदरिंग के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता था, कोई बाउंड्रीज नहीं होती थी, बट एज टू टाइम पीरियड वहाँ पे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्लूड होने लगी और गैदरिंग का जो वर्क था उसको उसमें डिक्रीजन आने लगते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट हमारा आता है न्यू सेटलमेंट, न्यू सेटलमेंट क्या थी, कि कोई भी किसी भी एरिया की जो गवर्नमेंट थी या किसी भी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट थी वो न्यू सेटलमेंट को स्टार्ट करती है अपने टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने के लिए और ह्यूमन बींग्स की सेटलमेंट के लिए। तो ये टू फैक्टर्स थे जो हमारे गैदरिंग प्रोसेस के डिक्रीजन के लिए एम्फेसाइज करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कि जब हंटिंग एंड गैदरिंग को पीपल्स ने स्टॉप कर दिया तो अब वो क्या करने लगे, हंटिंग उन्होंने क्या मान लिया एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, अब उन्होंने क्या किया जो उनके पास एनिमल्स थे अब वो अपनी जो नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गए, उसको हम क्या कहते हैं पेस्टोरलिज्म। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पेस्टोरलिज्म, जिसमें कि जो हमारे एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट किया गया। पेस्टोरलिज्म पे भी जो हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज के काफ़ी इफेक्ट होते हैं, कैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया का हम इफेक्ट इसमें कैसे देखते हैं, कि पेस्टोरलिज्म किसकी करे, पशुपालन करें, जो भी कैटल्स थे शीप्स गॉड्स उनके पास अवेलेबल थी अब उनको हंट करने के बजाय उनको डोमेस्टिकेट करने लग रहे हैं, लेकिन एरिया वाइज इनको भी डिवाइड किया गया है। कैसे अब हम इनको रिमेंबर रखने के लिए कैसे इनके पॉइंट्स बता सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है कैटल, कैटल के लिए क्या नेसेसरी है, मोर ग्रासलैंड्स अवेलेबल होना चाहिए, अब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रास की, तो ग्रासलैंड्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे ज़्यादा, जहाँ पे हमारे रेनफॉल एरिया ज़्यादा होते हैं, तो हम इसमें बता सकते हैं हैवी रेनफॉल एरिया। हैवी रेनफॉल एरिया जहाँ पे भी थे वहाँ पे कैटल को डोमेस्टिकेट किया गया, पेस्टोरलिज्म किया गया। सेकेंड पॉइंट में हमारे इसमें आता है शीप, एज वी नो दैट शीप्स क्या हैं कि उनको ग्रास की कम ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया,
लो रेनफॉल एरियाज में। थर्ड इसमें हमारा आता है गोट एंड कैमल्स। गोट एंड कैमल्स को ड्राई लैंड एरियाज में डोमेस्टिकेट किया गया। यहाँ हम बता सकते हैं ड्राई लैंड एरियाज। थर्ड हमारा आता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज। हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो हमारे सर्फ जो सी लेवल से जितने ज़्यादा हम डिस्टेंस पे ऊपर जाते हैं उसको हमें एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड जो भी हमारे माउंटेन्स रेंजेस थे वहाँ पे किन को डोमेस्टिकेट किया गया? याक और रेंडियर को। हाई एल्टीट्यूड, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम रिमेंबर रख सकते हैं कि पेस्ट्रोलिज्म ज्योग्राफिकल एरिया के एरिया वाइज कैसे डिवाइड किया गया और कौन से एरिया में किस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। अब पेस्ट्रोलिज्म को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उसमें हमारा आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग में क्या वही सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, प्रिमिटिव एक्टिविटीज में आते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में पीपल मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर लाइव स्टॉक्स टू डिपेंडिंग ऑन द पेस्ट्रोलिज्म पास्चर्स एंड वाटर। तो इसमें हमारे पास टू पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अवेलेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? फोडर क्रॉप्स एंड वाटर की। जहाँ पे भी उनको अच्छे से फोडर क्रॉप्स अपने एनिमल्स के लिए अवेलेबल होंगी और वाटर अवेलेबल होगा वो वहीं से मूवमेंट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि पीपल मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर लाइव स्टॉक्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नोमैड्स। एंड सीजनल भी इनमें होता है कि नोमैडिक हर्डिंग में सीजनल माइग्रेशन किया जाता है कि पीपल अपने एनिमल्स के साथ सीजनली माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। व्हेन ट्रांसह्यूमेंस ट्रांसह्यूमेंस में क्या आता है कि वो एक्टिविटी जिसमें नोमैड्स सीजनली माइग्रेशन करते हैं अपने एनिमल्स के साथ वो हमारे आते हैं ट्रांसह्यूमेंस में। अब हम बात करते हैं कि सीजनली माइग्रेशन होता कैसे है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश ग्रेजर्स मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स। लाइक टू जो हमारे सीजनली माइग्रेशन है वो टू सीजन्स में ज़्यादा की जाती है। फर्स्ट हमारा आता है समर सीजन एंड विंटर सीजन। अब जो इंडिया में क्या करते हैं हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से प्लेन एरिया टू माउंटेन एरियाज में जाया जाता है, यानी कि समर में वो प्लेन एरिया से माउंटेन रेंजेस में जाते हैं और विंटर्स में उसका अपोजिट करते हैं कि माउंटेन से प्लेन एरियाज में आते हैं। और ऐसे ही ऐसे नोमैडिक हर्डिंग करते करते वो अपने आप को जो उनकी कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गद्दी भोटिया बकरवाल इट्स ऑल्सो इट्स नोन एज अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, कि नोमैडिक हर्डिंग के एरियाज कौन कौन से हैं। इसमें जब भी हम बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग एरियाज की तो उसमें हमारे आते हैं एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। थ्री बेसिक पॉइंट्स में हम इनको भी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सॉरी जो साउथ अफ्रीका के जो पार्ट्स हैं यानी कि अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट ईस्ट वार्ड या हम इसको कह सकते हैं साउथ अफ्रीका टू जो भी हमारे अरेबियन पेनिनशुलर एरिया आते हैं जिनको हम अरेबियन कंट्रीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं अरेबियन पेनिनशुला
टू मंगोलिया एंड चाइना. सेंट्रल चाइना कि हम इसमें बता सकते हैं कि नोमैडिक हेरडिंग कहाँ की जाती है, वो एरिया में साउथ अफ्रीका के ईस्टवर्ड पार्ट से स्टार्ट होके अरेबियन जो पेनिनसुला यानी कि जो भी हमारी अरेबियन कंट्री उनको अक्रॉस करके मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक की जाती है फर्स्ट पॉइंट में. इसमें सेकंड हमारा इसमें आता है टूंड्रा रीजन इन यूरेशिया. यूरोप और एशिया के जो मिक्स पार्ट हैं जो कंबाइंड पार्ट है उनको हम यूरेशिया बोलते हैं. जो टूंड्रा रीजन्स है यूरोप और एशिया का उसमें भी नोमेडिक हेरडिंग के एरियाज मिलते हैं. थर्ड पॉइंट में हमारे इसमें आता है साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मेडागास्कर आइलैंड. जब भी हम मैप में लोकेशन देखते हैं तो अफ्रीका के बिल्कुल साइड में एक आइलैंड हमें दिखाई देता है जो मेडागास्कर आइलैंड है. तो मेडागास्कर आइलैंड का और साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट. तो अब हम इसमें तीनों पॉइंट देख सकते हैं जहाँ पे नोमैडिक हेरडिंग के एरियाज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की. कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में इससे अपोजिट होता है. जैसे कि हमने इसमें बताया था कि ह्यूमन बींग्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर लाइफ स्टॉक एंड एनिमल्स. बट इसमें जो हमारा आता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, फर्स्टली होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है. इसकी स्टार्टिंग जब वर्ल्ड में जो भी हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी ऑल वर्ल्ड में, तो जो हमारा कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को स्टार्ट किया गया. इसमें जो एम्फेसिस आता है कि किस पे जोर दिया गया, इसमें होता है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स, डिजीज कंट्रोल ऑफ एनिमल्स. ठीक है कि ये टू पॉइंट्स थे जिन पे बेसिकली इम्प्रूवमेंट पे जो एनिमल्स की इम्प्रूवमेंट पे एम्फेसाइज किया जाता है. कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में फिक्स्ड प्लेसमेंट होती है एनिमल्स की कि उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूवमेंट नहीं करते, माइग्रेशन नहीं करते, फिक्स्ड प्लेसमेंट होती है. उनको रेंच हाउसेज में रखा जाता है. जो इसमें एक नेक्स्ट जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा होता है इसमें, सॉरी पॉइंट है वो है कि इसमें ट्रेड्स किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. एनिमल प्रोडक्ट्स का ट्रेड्स किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में आते हैं. बात करते हैं कि एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की कि इनका एरियाज कहाँ कहाँ तक हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं. तो एरियाज की हम बात कर लेते हैं इसमें, एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग. फर्स्ट इसमें हमारा आता है प्रेरीज. प्रेरीज इज ए ग्रास लैंड ऑफ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका. प्रेरीज इन नॉर्दर्न अमेरिका. सेकंड हमारा आता है पंपास इन साउथ अमेरिका. ये हम एरियाज बता रहे हैं कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के एरियाज कहाँ कहाँ पे ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की जाती है. प्रेरीज इन नॉर्दर्न अमेरिका, पंपास इन साउदर्न अमेरिका. थर्ड हमारा आता स्टेपीज, स्टेपीज इन यूरेशिया एंड डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया. फिफ्थ हमारा आता वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका. कि ये जो हम भी जिसकी भी बात की ये हमारे ग्रासलैंड्स हैं और ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे हमें मिलते हैं जहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी होती है कि हमें ये यहाँ पे मिलते हैं और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इनफ है. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो पार्ट रहता है एग्रीकल्चर उस पे. तब तक के लिए आप सभी वीडियो को देखें, आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.